एडीजी जोन अखिल कुमार ने दशहरा के अवसर पर निकलने वाली मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर गोरखनाथ थाने में केशवागार में जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुख्यमंत्री के दशहरा के अवसर पर हर वर्ष गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक जुलूस निकाला जाता है, जिसको सम्पन्न कराने के लिए बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि जुलूस को सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यह जुलूस शांतिपूर्वक सम्पन्न होगा, इसलिए शहर के सभी नागरिक इस जुलूस में जरूर आएं। इस अवसर पर आईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कौन आके स्वागत करेगा सर? घरों की वेरिफिकेशन जो ऑलरेडी चल रही है, आज हमारी वो कंप्लीट भी बुक रोड पर मिलनी है। वहाँ पर एक सेफ डिस्टेंस पे कैसे पब्लिक को रोका जाए सर? वहाँ फोर्स भी लगेगी। और पांचवा पॉइंट है जो सड़क की दूसरी साइड सर कैसे रोकेंगे सर? तो यही हमारा मेन इशू है। पांचवा पॉइंट ये सर, जहाँ जगह पे रात जो है ऑलमोस्ट फ्लाईओवर के पैनल आ जाता है सर। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिवर्ष दशहरा के समय जो जुलूस निकाला जाता है, उस जुलूस की तैयारियों के संबंध में आज ये बैठक की गई। बैठक में एडीजी महोदय की अध्यक्षता में कमिश्नर महोदय, आईजी महोदय, एसएसपी, डीएम सर और अन्य सब विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सभी तैयारियों की समीक्षा की गई, सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दशहरा का जो जुलूस है वो बहुत शांतिपूर्ण निपटेगा और शहर के जितने भी निवासी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ आएँ, जुलूस को देखें और माननीय मुख्यमंत्री जी जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उनके जुलूस को उसकी शोभा बढ़ाएं। थैंक यू।